हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल AFYERS डेस्टिनेशन। जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं टेलीग्राम में, उन लोगों को तो पता ही है कि मैं छुट्टी पे हूँ। आई हैव कम टू लोनावला। ये देखिए, ये है लोनावला। एंड जो भी नॉइज़ आपको पीछे से सुनाई दे रहा है वो वाटरफॉल का आवाज़ है, और मैं वहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। वहाँ से एक हल्का सा वाटरफॉल हो रहा है, और ये रिजॉर्ट के बालकनी है जहाँ पर मैं फिलहाल खड़े होकर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने के पीछे एक खास रीज़न है। एक खास मकसद ये है दोस्तों कि जैसे मेरे चैनल में बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ आज के दिन में लॉन्च है, कुछ 7 स्ट्रैटेजीज़ है। उसमें एक स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है टाटा की ताकत। ओके, अब टाटा की ताकत जो स्ट्रैटेजी है वो दोनों जगह आप यूज़ कर सकते हो। आप इक्विटीज़ पे भी यूज़ कर सकते हो उसको, एज वेल एज फ्यूचर्स पे भी यूज़ कर सकते हो। आज ये खास रीज़न इसके लिए है दोस्तों, बिकॉज अगर आप अप स्टॉक्स, ज़ेरोडा या फिर कुछ और भी डिस्काउंट ब्रोकरिंग हाउसेज है जिसका पोर्टल्स अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको जो कैंडल मिलेगा, द मैजिक कैंडल ऑफ द डे जो मिलेगा, वो थोड़ा डिफरेंट होगा। वो इसलिए है बिकॉज जो भी कंपनीज का मैंने नाम लिया है, जैसे कि ज़ेरोडा बोलिए, अप स्टॉक्स बोलिए, वो लोग बिड एंड आस्क प्राइस के बेसिस में कैलकुलेट करते हैं। NSE का जो डायरेक्ट एक्चुअल टिक प्राइस होता है उसके बेसिस में कैलकुलेट नहीं करते हैं। एंड फॉर दैट रीजन जो चार्ट पे जो कैंडल्स का जो हाई लो का वैल्यू जो शो होता है, कभी कभी डिफर करता है। आई डोंट नो इट इज़ राइट और रॉन्ग, बट एंड डेफिनेटली मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट पे एवरीथिंग इज़ राइट एंड एवरीथिंग इज़ रॉन्ग। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इट्स ओके। आई मीन इफ दैट इज़ द प्रोसेस दे आर फॉलोइंग, नथिंग अगेंस्ट देम, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग। बट अगर मैं कोई स्ट्रैटेजी बनाता हूँ उसको मैं रियल टाइम में देख के बनाता हूँ, एंड फॉर दैट रीज़न मेरे लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का जो वैल्यू है वही सही मैं मानता हूँ। एंड फॉर दैट रीज़न अभी AFYERS के साथ जो हम लोगों का टाई अप है, जैसे आप सबको ऑलरेडी पता है कि वी आर द ऑफिशियल चैनल पार्टनर ऑफ AFYERS सिक्योरिटीज़। तो AFYERS का चार्ट अगर आप देखोगे एंड NSE का अगर चार्ट देखोगे, आप दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं बोलता आप सबको, लेकिन ये बोलना इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों, बिकॉज जो स्ट्रैटेजी जो मेरा है जिसका नाम है टाटा की ताकत, वहाँ पर अगर आप किसी दूसरा प्लेटफॉर्म देखोगे वहाँ पर आपको शायद मिलेगा द थर्ड कैंडल एज द मैजिक कैंडल। बट अगर आप AFYERS देख के करोगे, मतलब AFYERS का जो टर्मिनल है वो देखोगे एंड उस चार्ट को कंपेयर करोगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो प्राइसिंग चार्ट था उसके साथ, तो आपको पता चलेगा कि कल का मैजिक कैंडल थर्ड कैंडल नहीं, फोर्थ कैंडल, ठीक है, एज पर द स्ट्रैटेजी। ऑलरेडी मेरे चैनल पे कुछ 16,000 प्लस मेंबर है जो शायद आप ये वीडियो देख रहे हो, एंड वो मेरे सारे स्ट्रैटेजीज देख के आप लोग क्रिएट लेते हो, सीखते हो। इसके लिए दोस्तों मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अगर मैं देख रहा हूँ कि लोग गलती कर सकता है, गलत ट्रेड ले सकता है बाय लुकिंग एट द गलत चार्ट, एटलीस्ट आप सबको अलर्ट करना मेरा जिम्मेदारी है। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैं अंदर जाऊंगा, बिकॉज इतना आवाज़ में आप लोगों को मैं जब चार्ट दिखाऊंगा तो शायद समझ में नहीं आएगा। मैं आप लोगों को चार्ट दिखा दूंगा, देख लीजिए, खुद सोच लीजिए क्या करना है एंड सोच समझ के। थैंक यू दोस्तों। चार्ट पे आ जाते हैं, बट चार्ट पे जाने से पहले डिस्क्लेमर्स है, प्लीज़ देख लीजिएगा। मैं किसी भी रजिस्टर्ड ट्रेडर नहीं हूँ, जो भी शेयर करता हूँ मेरे ऑब्जर्वेशन के बेसिस में शेयर करता हूँ, एंड इन्वेस्ट करने से पहले अपना जजमेंट यूज़ करके इन्वेस्ट कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, डिस्कशन सिर्फ इस पॉइंट का है कि टाटा की ताकत स्ट्रैटेजी जो लोग टाटा स्टील फ्यूचर्स में फॉलो करते हो, अगर आप लोग कोई दूसरा चार्ट देखते हो जैसे कि ज़ेरोडा, अपस्टॉक, सैमको, AFYERS, देर आर वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जो लोग यूज़ करते हैं, मुझे सारे प्लेटफॉर्म्स का कंपेरिजन करना नहीं है यहाँ पर, मुझे सिर्फ इतना बताना है क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर ये डिस्कशन चल रहा था फ्राइडे से कि मंडे के लिए मैजिक कैंडल कौन सा होगा। अब अगर आप ये तीनों, ये चारों स्टॉक्स का ये चारों पोर्टल्स को देखते हो तो हर एक पोर्टल में वैल्यू अलग है। ज़ेरोडा, अपस्टॉक, सैमको में 587.55 वाज शोइंग एज द हाई ऑफ द डे, वेयर एज AFYERS में अगर आप देखते हो तो 587.60 दिखा रहा था हाई ऑफ द डे, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या है इसके लिए, प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही है दोस्तों कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हो, ठीक है, ये स्ट्रैटेजी का मूल जो रूल जो है वो सिर्फ इतना ही है कि पहला एक ऐसा कैंडल आपको पाना है दिन का जिसका हाई एंड लो दोनों ब्रेक हुआ है,
अभी देखिए जीरोडा में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जीरोडा का पहला कैंडल है, पहला कैंडल तो ब्रेक नहीं हुआ, उसका हाई ब्रेक हुआ, लो नहीं ब्रेक हुआ। थर्ड कैंडल देखिए, थर्ड कैंडल का हाई क्या है, 587.50, एंड ये वाला जो कैंडल है ना 1215 का जो कैंडल है, इसका देखिए हाई क्या है, इसका हाई है 587.55। तो मतलब क्या हुआ, ये है 587.50, ये कैंडल है 587.55, मतलब थर्ड कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, डेफिनेटली आपको क्लियरली दिख रहा है थर्ड कैंडल का लो भी ब्रेक हो गया। तो ऐसे में क्या करेंगे, जो अगर आप जीरोडा यूज़ कर रहे हो, एज़ पर यू आप सोचोगे कि कल का दिन का मैजिक कैंडल इज थर्ड कैंडल एंड ओनली आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ थर्ड कैंडल आपको ट्रेड लेना है। दिखाते हैं अपस्टॉक्स पे, अपस्टॉक्स पे भी अगर आप जाके देखते हो तो वहाँ भी सेम चीज़ आपको दिखाई देगा। ये थोड़ा अपस्टॉक्स लोड नहीं हो रहा है, फिर से ट्राई करते हैं, लोड हो गया। ये देखिए, ये थर्ड कैंडल ऑफ द डे था, थर्ड कैंडल का हाई यहाँ पर दिख रहा है 587.50 एंड ये 1215 वाला जो कैंडल है, जो जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये है 1215 वाला कैंडल, इसके ये वाला, एंड वहाँ पर अगर आप जाके देखोगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसका हाई प्राइस है 587.55। ठीक है, फायर्स में क्या है एंड एनएससी में क्या है, पहले देख लेते हैं एनएससी। ये आपके सामने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का वेबसाइट है जहाँ पर टाटा स्टील 30th अगस्त फ्यूचर्स का हाई प्राइस है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है आपको 587.60। ठीक है, इसके साथ मैं आपको लेके चलता हूँ फायर्स पे, अब देख लीजिए खुद आप के फायर्स में क्या है। ये रिलोड करना पड़ेगा मुझे, ठीक है मैंने लोड कर लिया, इसको 30 मिनट्स के चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अंडरस्टैंडिंग के सिंप्लिसिटी के लिए इसको मैंने बार में डाल दिया। अभी देखिए आप लोग खुद के इसमें क्या दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये है थर्ड कैंडल, ये है थर्ड कैंडल, थर्ड कैंडल का हाई है 587.60। ओके, एंड ये 1215 वाला जो कैंडल है, इसका हाई है 587.55। मतलब क्या, मतलब थर्ड कैंडल जो है 587.60 जो है, उसका लो हाई ब्रेक नहीं हुआ था। अगर उसका हाई नहीं ब्रेक हुआ था, इसका मतलब ये है कि ये जो कैंडल है ये मैजिक कैंडल नहीं है, रादर इसके अगले वाला कैंडल जो है, ये 1045 का कैंडल जो है, द फोर्थ कैंडल ऑफ द डे जो है, वो मैजिक कैंडल ऑफ द डे है। ठीक है दोस्तों, तो बोलने का इरादा सिर्फ इतना ही था कि देखिए हर एक पोर्टल, हर एक पोर्टल जो लोग आप यूज़ करते हो डिस्काउंट ब्रोकरेज हाउसेज का, हर जगह पर अलग अलग प्राइस दिखा रहा है। फायर्स का प्राइस एनएससी के प्राइस के साथ मैच हो रहा है, हेंस रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी में ट्रेड कर रहे हो तो गो बाय द एनएससी प्राइसिंग, गो बाय द फायर्स प्राइसिंग, एंड हेंस द मैजिक कैंडल टू बी कंसिडर्ड फॉर मंडे इज द फोर्थ कैंडल ऑफ द डे। ठीक है दोस्तों, सिर्फ इतना ही बताना था और कुछ नहीं बताना है। मैं भी छुट्टी पे हूँ, आप लोग इन्जॉय कीजिए, हैव फन, एंड मैं भी ये वीडियो अपलोड करके दोस्तों के साथ एन्जॉय करने के लिए चला जाता हूँ। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, हैव फन, गुड बाय।